आचार संहिता उल्लंघन में फंसे आजम जया। मतदान वाले दिन दोनों ने तोड़ा नियम, मुकदमा दर्ज। गाड़ी को बूथ तक ले गए वोट डालने के लिए। बूथ के 200 मीटर के दायरे में नहीं ले जा सकते गाड़ी। रामपुर में जया प्रदा और आजम खान दोनों पर चुनाव आयोग ने मुकदमा कायम कर दिया है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इनके बयानों पर चुनाव आयोग ने कार्यवाही की है? जी नहीं, इन दोनों ने ही मतदान वाले दिन नियम तोड़ा और इन पर चुनाव आयोग ने मुकदमा कायम कर दिया। ये दोनों ही मतदान वाले दिन कार बूथ तक ले गए, जो नियम के विरुद्ध है। दोनों को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी पाया गया और इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नियम के मुताबिक बूथ के 200 मीटर के अंदर वाहन नहीं ले जा सकते, लेकिन आजम लेकर गए तो एसडीएम ने गंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। भाजपा की प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ भी इसी आरोप में सिविल लाइंस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनके खिलाफ सेक्टर मजिस्ट्रेट जयवीर सिंह नागर ने सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर दी थी। आजम खान और जया प्रदा दोनों एक दूसरे पर जुबानी जंग के लिए चर्चा में रहे। आजम खान पर 72 घंटे चुनाव प्रचार न करने का बैन तक लगाया गया। वहीं जया प्रदा अभी तक आजम के बयानों का पलटवार कर रही हैं। इन दोनों के ही बयानों पर चुनाव आयोग की नजर रहती है, लेकिन जब नियम के पालन की बात आई तो दोनों ने ही उल्लंघन कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर दिया गया।